नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं सुशासन में स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली बयां कर रही है। जर्जर भवन में उगाए पेड़ के साथ मवेशियों का डेरा इस बात की तस्दीक कर रही है। इस भवन में मरीजों का इलाज तो दूर, यहां आना भी खतरे से खाली नहीं है। विभागीय उपेक्षा की शिकार बनी ये है पिपरा प्रखंड के महेशपुर का स्वास्थ्य उपकेंद्र, जहां भवन जर्जर और जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। लिहाजा स्वास्थ्य उपकेंद्र को पशुओं ने अपना आरामगाह बना लिया है। पिपरा प्रखंड मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर अवस्थित महेशपुर का स्वास्थ्य उपकेंद्र 1964 में स्थापित हुआ था। कहा जाता है कि उस समय यहां दूर दूर से लोग इलाज करने आने थे, लेकिन समय बीतने के साथ ही इसकी उपेक्षा की जाने लगी, जिसकी तस्वीर ही बयां कर रही है कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र वर्तमान में किस बदहाली से गुजर रही है। ग्रामीणों ने इसके जीर्णोद्धार के लिए कई बार स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी, पर सारे प्रयास विफल रहे। उनसे बात हुई, उन्होंने सिविल सर्जन साहब को आदेश दिए कि महेशपुर का भवन जर्जर है, उसको इमीडिएट काम किया जाए। भवन विभाग द्वारा उसका एस्टीमेट बनाया गया, उसके बाद एक साल बीत गई है, अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुआ। हम लोग बराबर मुख्यमंत्री को दिए, प्रधानमंत्री को दिए, हर जगह दौड़े, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हो सका। हो सकता है कि आंधी तूफान कोई आवे तो यह भवन जर्जर गिर जाएगी और बहुत बड़ा हादसा होने का यहाँ संभावना है। हम लोग थक हार के आज तक प्रयास करते रहे, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई आज तक यहाँ नहीं हुई। इस बात को लेकर के पूर्व में भी हमने जो है इसकी सूचना दी है, ऊपर में जिला को भी सूचना दिया है, तो उसको बनने की आवश्यकता बनाने की आवश्यकता है। उसको काफी जर्जर भवन है, स्टाफ क्वार्टर भी जर्जर है, तो कैसे काम होता है? हाँ, काम तो जिस व्यवस्था में है उसी में जो है काम किया जाता है, और फिर बगल में आंगनवाड़ी केंद्र है, इस पर हम लोग काम करते हैं, वहाँ भी काम करते हैं, लेकिन बिल्डिंग तो काफी क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ। तो विभाग को लिखी गई है सर? विभाग तो हमने बहुत पहले सूचना भी दी थी विभाग को, और उसके इंक्रोचमेंट को भी क्लियर करने के लिए हमने सीओ साहब को भी लिखा था इस संबंध में, और वर्तमान में मुखिया जी के द्वारा